गुड मॉर्निंग। आपने इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे जिसमें एक बार मैग्नेट को ऐसे सेमी सर्कुलर वे में मोड़ दिया गया, एक हाफ रिंग की तरह मोड़ दिया गया, और फिर पूछा कि इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। पहले वाले का तो मैग्नेटिक मोमेंट एम था। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम जो है वो होता है किसी भी पोल की स्ट्रेंथ, जैसे हमें पता होना चाहिए कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल को पोल की स्ट्रेंथ से बताया जाता है, मतलब साउथ पोल को माइनस एम से बताते हैं और नॉर्थ पोल को प्लस एम से बताते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो होता है किसी भी पोल की स्ट्रेंथ, मतलब साइन नहीं लेना, और उनके बीच की डिस्टेंस जो कि यहां पर एल है। तो यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट हो गया एम एल, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ। कुछ कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसा हो गया, जिसमें दो चार्जेस होते थे, एक होता था माइनस क्यू और एक होता था प्लस क्यू, और डायपोल मोमेंट हमेशा माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाता था, और पी इज इक्वल टू किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ डिस्टेंस 2a या 2l ली जाती थी, तो वो उनके बीच की डिस्टेंस आ गई। सिंपली कुछ वैसा ही यहां पर सिस्टम है कि दो मैग्नेट, मतलब एक मैग्नेट है उसी को मोड़ दिया ऐसा, और पोल स्ट्रेंथ सेम है तो वो अमाउंट आ गया m, और उसके बीच की डिस्टेंस तो m इक्वल्स टू, तो ये है। अब क्या किया, इस मैग्नेट को मोड़ दिया। इतना आसान नहीं होता मैग्नेट को मोड़ना, वो तो क्वेश्चन है। तो मैग्नेट को जब मोड़ा तब आपसे पूछा जा रहा है क्या सिस्टम रहेगा। तो हमें यहां पर ये पता होना चाहिए कि जब इसको सेमी सर्कुलर रिंग की तरीके से मोड़ा गया तो इनके बीच की डिस्टेंस अब ये पूरी ना होके ये रह गई है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है, अब ये इनके बीच की डिस्टेंस है, नहीं जो एल है वो एल डैश ये आई है। तो हमने ध्यान दिया कि भाई इनके बीच की जो डिस्टेंस है एल डैश वो एक्चुअली में क्या है, 2R है। यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक फिर से रेडियस, मतलब डायमीटर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डायमीटर है। अब उसको हम कैसे निकालें उसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जब इस लेंथ को कैपिटल एल को ही तो सेमी सर्कुलर रिंग में बदला गया है, तो मतलब कैपिटल एल जो लेंथ है वही किसमें कन्वर्ट हुई है, वही कन्वर्ट हुई है हाफ सर्कमफेरेंस में। वही तो कन्वर्ट हुई है हाफ सर्कमफेरेंस में, मतलब जो एल है वही तो किसमें कन्वर्ट हुई है, 2 पाई आर बाय 2, मतलब पाई आर में वही कन्वर्ट हुई है। तो आर हम लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एल अपॉन पाई। यहां हमें कुछ समझ में आने लगा कि ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है, नया जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है उसमें किसी भी पोल की स्ट्रेंथ जो कि चेंज नहीं हुई है, क्योंकि हमने इसको कट नहीं कराया मैग्नेट को, तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रही, तो वापिस से एम, और उनके बीच की डिस्टेंस जो एल डैश है। फिर हमें पता लगा कि एल डैश तो 2R है, तो एम इंटू 2R, और आर हम निकाल चुके हैं, आर इज इक्वल टू क्या है, एल अपॉन पाई, तो एम इंटू 2 इंटू एल अपॉन पाई। तो आपका जो आंसर आएगा नया वो आएगा 2 ml/π। और अगर आपको इस टर्म में बेसिकली नहीं दिया होगा तो आपने देखा कि अच्छा एम एल इक्वल टू क्या है, एम एल इक्वल टू एम है, तो यहां पर होगा 2 m/π आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल था ये, और कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, आप सोचोगे कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, यस आते हैं। जब इतना बड़ा सिलेबस आप याद करके जाते हो ना, तो ये छोटी छोटी याद चीजें याद रख पाना कई बार मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, ये क्वेश्चन इसलिए भी डाले जाते हैं कि इसमें आप जरूरत से ज्यादा सोचो, टाइम वेस्ट करो, और जो अच्छे क्वेश्चन है उन पर आप टाइम ना दे पाओ। तो हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है। जुड़े रहो इस चैनल के साथ, मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।